हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मूंगफली चिक्की की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी मूंगफली लिया है, जिसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इसे हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस इतना भूनना है कि इसका छिलका आसानी से निकल जाए। देखिए, मूंगफली भून चुका है, तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। मूंगफली ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे इस तरह से हाथों से मसलकर इसका छिलका अलग कर लेंगे। ये देखिए, मैंने छिलका अलग कर लिया है। अब मैं गर्म पैन में 2 चम्मच पानी डाल रही हूँ और इसमें 1 कटोरी गुड़ डालकर इसे मेल्ट कर लूँगी। गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर लिया है। इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। देखिए, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो अब हम इसे 2-3 मिनट और पका लेंगे। ये देखिए, गुड़ पक चुका है, तो अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। आप 1 कटोरी में ठंडा पानी ले लीजिए, उसमें गुड़ का 1-2 बूंद डालकर देखिए। अगर गुड़ टूट रहा है तो समझ जाइए कि गुड़ अच्छे से पक चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें मूंगफली को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम जल्दी से ही मिक्स करेंगे। मैंने इस ट्रे पे घी लगाकर पहले से रखा हुआ था। अब मैं इस पर मूंगफली और गुड़ का मिक्सचर डाल दूंगी और इसको जल्दी से ही मैं फैला दूंगी। मैं यहाँ पर इसे 1 कटोरी की मदद से फैला रही हूँ, आप इसे बेलन से भी फैला सकते हैं। अब हम इस पर चाकू से निशान लगा देंगे ताकि जब ये ठंडा हो जाए तो तोड़ने में आसानी हो। ये देखिए, चिक्की अच्छे से सेट हो चुका है, तो अब मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, चिक्की बनकर तैयार है। तो आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा।